enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का शादी के लिए एक बिजनेसमैन को प्रेफर करना एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, पर पिछले कुछ सालों में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ग्रूम के तौर पर एक बिजनेसमैन को ही प्रेफरेंस दे चुकी हैं। तो क्या वाकई शादी के लिए एक्ट्रेसेस की प्रायोरिटी पर इन दिनों बिजनेसमैन के सिवाय कोई दूसरा नहीं है? ये जश्न के नजारे हैं बॉलीवुड में हुई रीसेंट शादियों के। इन वेडिंग को अटेंड करने पहुंचे बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, लेकिन ये क्या बॉलीवुड के दुल्हनिया ले जा रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड वाले? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना। इस साल बॉलीवुड में दो दो एक्ट्रेसेस की बिजनेसमैन से हुई शादियों के बाद एक और एक्ट्रेस दुल्हन बनने के लिए तैयार है। दूल्हे को भी आप जानते हैं, राज कुंद्रा जो है एक बिजनेसमैन। सो फॉर द थर्ड टाइम बॉलीवुड ब्राइड इज रेडी टू टाई द नॉट विद अ बिजनेसमैन। फरवरी 2009 में आशा ताकिया ने रेस्टोरेंट के बड़े बिजनेसमैन फरहान आजम से शादी की। उसके कुछ दिनों बाद ही अमृता अरोरा ने शादी कर ली हैदराबाद के बिजनेसमैन शकील लद्दाख से। वही खल्लास गर्ल ईशा कोपिकर इज ऑल्सो रेडी टू टाई द नॉट विद टिमी नारंग। अब क्या ये इत्तेफाक है कि ईशा के बॉयफ्रेंड टिमी नारंग भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? इसीलिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी की बात पर ये बात भी उठ रही है कि क्या आजकल बॉलीवुड एक्टर शादी के लिए सिर्फ बिजनेसमैन को ही प्रेफरेंस दे रही है? We women are so greedy. We want everything all packaged in one man, which we never find. We women are so greedy. We want everything all packaged in one man, which we never find. नेहा जिसे यूनिवर्सल थॉट कह रही हैं, कोइंसिडेंटली वो बात बॉलीवुड की एक्ट्रेस पर इन दिनों एकदम सूट हो रही है। 30 की एज पार करते ही बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो चाहत सबने देखी वो तो यही है कि किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली जाए और हो जाए कम्प्लीटली सेटल्ड। करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करके भी यही बात साबित की है। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी शादी करने के लिए प्रेफर किया एक नोटेड आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को। युक्ता मुखी के हबी प्रिंस टूली भी एक बड़े बिजनेसमैन है। रवीना टंडन ने शादी की अनिल हजारी से जो है एक बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। ये सभी एक्ट्रेसेस बिजनेसमैन ग्रूम को प्रेफरेंस देकर इस ट्रेड को सही साबित कर चुकी हैं। Who says that? एक दो लाइक यू नो एक्ट्रेसेस ने बिजनेसमैन से शादी करी तो सारी एक्ट्रेसेस ने, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्ट्रेसेस हु मैरी एक्टर्स हु मैरी अदर पीपल। दो एक्ट्रेसेस की शादियां अगर किसी बिजनेसमैन से हो गई हैं, दैट डजंट मीन दे आर प्रेफरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। द मिनट अ एक्टर स्टार्ट सीइंग अ स्पोर्ट्समैन तो आप सब बोलने लगते हैं कि दे प्रेफर स्पोर्ट्समैन। द मिनट एन एक्टर स्टार्ट यू नो कटिंग द हेयर शॉर्ट तो आप बोलते हैं कि दे प्रेफर कटिंग द हेयर शॉर्ट। लेकिन यहाँ बात शॉर्ट हेयर की नहीं बल्कि दूल्हों की हो रही है, वो भी ऐसे बड़े बिजनेसमैन दूल्हे जिनके बैंक अकाउंट डिटेल्स देखकर कोई भी हसीना लट्टू हो जाए। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेसमैन पहली शादी कर रहा है या दूसरी। अमृता अरोरा के साथ शादी करने वाले शकील लद्दाख ने सेकेंड टाइम आजमाया है मैरिज इंस्टीट्यूशन को। कुछ यही हाल है शिल्पा शेट्टी के बियो राज कुंद्रा का, जो शादी के बंधन में बंधेंगे दूसरी बार। I would just say who keeps you happy. I mean if women what matters is that they're happy and they found partners for themselves which they've you know made into a committed life relationship and that's what's more important. Well at the end of the day jo baat sabse zyada matter karti hai wo to hame Minisha ne bata hi di hai. और जहाँ तक बात है शादी के लिए बिजनेसमैन को प्रायोरिटी देने की, उसके बारे में भी वही एक्ट्रेसेस बेहतर बता सकती हैं जिन्होंने बिजनेसमैन को अपना लाइफ पार्टनर बनाया है। हम तो यही विश करेंगे कि शादी करके सेटल होने की चाह रखने वाली इन एक्ट्रेसेस को अपनी लाइफ में हर खुशी मिले, फिर उनका दूल्हा एक बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।